नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में, इसके बारे में। अब दोनों किंग्स बढ़ेंगे तो विनर कौन होगा उसके बारे में तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप हमारी प्रिडिक्शन से 1.5 करोड़ के किंग जरूर बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो पूरी और ध्यान से देखनी होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए टीम यहाँ पर देखोगे तो 4 मुकाबले विन किए हैं। एवरेज यहाँ पर 188 आता है। वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपका इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपका तो हम यदि बात करें इस आईपीएल में, जी हाँ दोस्तों, इस आईपीएल में क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 मुकाबले टोटल अभी तक खेले जा चुके हैं। इनमें से देखोगे दोनों के दोनों ही मुकाबले सेकंड बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं और पेस बॉलर ने यहाँ पर 14 विकेट और स्पिनर ने 7 विकेट निकाले हैं। दोस्तों, पहला मुकाबला हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने 177 बनाए थे, दिल्ली कैपिटल्स ने चेस कर लिए थे 182 बनाकर। सेकंड मुकाबला हुआ था, चेन्नई ने 207 रन बनाए थे मात्र 19.3 ओवर में। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसको चेस कर लिया था 211 बनाकर। तो आप समझ सकते हो कि बल्लेबाजी के लिए कितनी अच्छी विकेट है। और स्पेशली दोस्तों, यदि आप फर्स्ट इनिंग में पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके लिए 200 प्लस स्कोर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड इनिंग्स है दोस्तों उसमें ड्यू आने लगती है और वहां पर स्पिनर का कोई रोल नहीं रहता और विकेट बिल्कुल पाटा हो जाती है और बल्ले पर बॉल बहुत अच्छी आती है। और आपके लिए पेस बॉलर को ज्यादा पिक करना है। जी हाँ दोस्तों, पेस बॉलर के लिए ज्यादा पिक करना है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे और जो मुंबई की विकेट है ना दोस्तों, यदि पुणे की विकेट को निकाल दिया जाए, मुंबई की जितनी भी विकेट है वो टोटल दोस्तों लाल मिट्टी की है। जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी की है। तो लाल मिट्टी में पेस बॉलर के लिए बाउंस भी होता है और शुरुआत में थोड़ी सी स्विंग भी होती है। इस वजह से आपके लिए पेस बॉलर को ज्यादा ट्राई कर चलना है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब किंग्स के बारे में बात करें दोस्तों, संभावित 11। अब हम सबसे पहले हेड टू हेड मुकाबले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे टोटल दोनों के बीच 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से आप यहाँ पर देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 मुकाबले और पंजाब किंग्स ने मात्र 10 मुकाबले विन किए हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी है, क्योंकि मुंबई के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं तो वो चेन्नई ने जीते हैं, इसलिए यहाँ पर चेन्नई की विनिंग आपके लिए ज्यादा दिखेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों की संभावित 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो मयंक अग्रवाल ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे शिखर धवन के साथ। पहले मुकाबले में तो दोस्तों दोनों ही अच्छे टच में दिखे थे, हालांकि शिखर धवन तो आपके लिए इसमें भी टच में दिखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आउट हो गए थे। उसके बाद मयंक अग्रवाल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है। ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर शिखर धवन को भी आप ग्रैंड लीग में अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन और साथ में स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए भानुका राजपक्षी, दोस्तों शानदार इनिंग्स खेल कर दी, 31 रन की इनिंग्स खेली, वो लगभग 10 गेंदों में उन्होंने 31 रन की इनिंग्स खेल कर दी थी। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और जो 43 रन की खेली थी इनिंग्स, वो भी 23 गेंदों में खेली थी, तो बहुत शानदार ऑप्शन है। बिल्कुल डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड लीग में तो मैं जरूर कहूंगा आप 3 से 4 कॉम्बिनेशन इनके साथ एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के ट्राई करिएगा। उसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन, 19 रन विकेट नहीं मिला। दोस्तों, आमतौर पर ये अपना फॉर्म दिखाते हैं, जैसा इंग्लैंड में टूर्नामेंट होते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऐसा फॉर्म ये नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर स्पिनर हावी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इनके ऊपर स्पिनर हावी हो जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए राज बाबा ने पहले मुकाबले में 0 किया था, सेकंड मुकाबले में 11 रन का स्कोर जरूर इन्होंने किया। उसके बाद बात की जाए शाहरुख खान दोस्तों पहली बॉल पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए थे, इन्होंने अपना खाता भी नहीं खोल पाया। शाहरुख खान दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक है, लेकिन एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, सिर्फ एज अ प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए आपको अच्छा पिक हो सकता है। यदि इनकी बल्लेबाजी आती है और ये ज्यादा बल्लेबाजी मिलती है तो आपके लिए अच्छा पिक है हो सकता है। ओडियन समेत 9 रन 1 विकेट, लेकिन दोस्तों इनकी काफी ठुकाई की थी। क्या दोस्तों, इनके खिलाफ जो मैच हुआ था ना, कोलकाता को हुआ था, उसमें क्या ठुकाई की थी दोस्तों आंद्रे रसल ने, चाहे वो ओडियन समेत हो या कोई भी हो, अर्शदीप को भी विकेट नहीं मिला। आमतौर पर दोस्तों अर्शदीप का जो विकेट का कॉलम रहता है ना, वो आप खाली नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर देखोगे कोई भी विकेट यहाँ पर अर्शदीप को नहीं मिला। हरप्रीत को दोस्तों इन्हें भी दोनों ही मुकाबले में कोई विकेट नहीं मिला। उसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने बल्लेबाजी ठीक ठाक कर ली थी, लेकिन विकेट इन्हें नहीं मिला था। उसके बाद बात की जाए कंगीसो रबाडा का देखोगे 1 विकेट इन्होंने चटकाया, उसके बाद ये पहला मुकाबला खेले नहीं थे। उसके बाद बात की जाए राहुल चार ने 2 विकेट निकाले, शानदार गेंदबाजी राहुल चार कर रहे हैं।
मिडिल ओवर्स में आपके लिए राहुल चहर गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, संदीप शर्मा तो खेली नहीं थी। अब हम बात करते हैं डेथ ओवर के बारे में। तो डेथ ओवर में दोस्तों इनकी ओर से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करेंगे, कंगीश रबाडा करेंगे और एक आधा ओवर उडन स्मिथ। ये तीन ओवर आपके लिए डेथ ओवर में, तीन गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। उसके अलावा बात की जाए हरप्रीत बरार और दोस्तों राहुल चहर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। एक कुछ इनकी गेंदबाजी का जो लेखा जोखा है। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही मुकाबलों में फेल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही मुकाबलों में फेल हुए हैं, जबकि रॉबिन उथप्पा अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोनों ही मुकाबलों में। लास्ट मुकाबले में तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे 20 साल के रॉबिन उथप्पा बल्लेबाजी कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इनकी बल्लेबाजी देखी होगी शुरुआत में तो रॉबिन उथप्पा का पुराना रंग जरूर नजर आ रहा था। तो रॉबिन उथप्पा को बिल्कुल डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, दोस्तों बल्लेबाज अच्छे हैं, जल्दी ही फॉर्म में वापसी करेंगे, लेकिन जब भी फॉर्म में वापसी करेंगे तो आपके लिए धमाका जरूर कर देंगे। शतक भी लगा सकते हैं या लंबी 50 लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को आप ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा। मोइन अली दोस्तों स्मॉल लीग में आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन आप इन्हें स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गेंदबाजी कर देंगे, लगभग दो ओवर तो गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा दोस्तों बल्लेबाजी ये शानदार करते हैं, तो मोइन अली को आप ट्राई कर सकते हो। एक दोस्तों आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप स्मॉल लीग में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अंबाती रायडू ने 27 रन जरूर बनाए, लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाए जितनी अच्छी इनिंग्स की इनसे आमतौर पर टीम उम्मीद करती है। साथ में शिवम दुबे ने दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर 49 रन की इनिंग्स खेलकर दी और नंबर 4 पर इन्हें प्रमोट किया गया था। हालांकि इनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई, लेकिन दोस्तों यदि इन्हें प्रमोट किया जाता है तो आपके लिए डेफिनेटली शुभम दुबे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर देते हैं। तो शिवम दुबे को तो बिल्कुल आप डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए रविंद्र जडेजा के बारे में बात की जाए तो 17 रन कोई विकेट नहीं, 26 रन कोई विकेट नहीं। जो 26 रन बनाए थे दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन जो 17 रन बनाए थे इसमें ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने नहीं किया। तो आप बिल्कुल रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आप देखोगे 50 रन पहले मुकाबले में किए थे और 16 रन। दोस्तों कंपैरेटिवली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है महेंद्र सिंह धोनी रिसेंट ईयर के, जो लास्ट कुछ साल इनके गए थे 19, 20, 21 उनसे, उसमें से कई अच्छी गुना दोस्तों क्रिकेट अब 2022 में महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं। कैप्टनसी का भी दबाव नहीं है दोस्तों, कोई दबाव इनके ऊपर नहीं है। उसके बाद ड्वेन ब्रावो को आप देखोगे 1 विकेट और 3 विकेट, डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे। सेम कंडीशन ड्वेन पिटोरियस की है दोस्तों, ये भी मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। तो आप इन दोनों ऑलराउंडर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। तुषार देश पांडे आप देखोगे तो दोस्तों ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं किया, सॉरी यहाँ पर मुकेश चौधरी का नाम लिखना मैं भूल गया, मुकेश चौधरी खेले थे एक मतलब दो जगह तुषार देश पांडे टाइप कर दिया, एक जगह मुकेश चौधरी आप कर लीजिएगा। तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। देश पांडे शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे और एक आधा ओवर ही अपना मिडिल ओवर्स में करते हुए नजर आ जाएंगे। याद रखिएगा कोई भी चेंजेस होगा तो उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम भानुका राजपक्षे के बारे में चर्चा की जाए तो आपके लिए दोस्तों फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करेंगे और विस्फोटक अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप भानुका राजपक्षे को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, ये थोड़ा आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी, आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की टीम में आप इन्हें अवॉइड कर चल सकते हो। और यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास जो भी टीम अपडेट आएगी वो आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मैं करूंगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन की, यहाँ पर रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, इन तीन को तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करूंगा। उसके बाद आप अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़, दो और ऑप्शन आपके पास बेस्ट हो जाते हैं। शिवम दुबे तो दोस्तों यदि प्रमोट करेंगे तो उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आफ्टर टॉस हम जो आपके लिए न्यूज़ देते हैं ना वो टेलीग्राम पर ही देते हैं और वहाँ पता चल जाता है कौन सा बल्लेबाज कहाँ बल्लेबाजी करेगा, 99% पता चल जाता है। तो दोस्तों यदि टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं तो ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो और स्मॉल लीग में भी आप ट्राई इन्हें कर सकते हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम यहाँ पर सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी ऑलराउंडर सेक्शन,
तो यहाँ पर दोस्तों मोइन अली को ट्राई करेंगे। रविंद्र जडेजा ने दोस्तों गेंदबाजी से इतना प्रभावित नहीं किया है, इसलिए मैं तो अवॉइड करूंगा रविंद्र जडेजा को। उसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा, तो इन्हें जरूर मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। फिलहाल की स्थिति में ये दोनों ही ट्राई करूंगा। आपके पास बाद बाकी ऑप्शन है ड्वेन पिटोरिया से, ओडियन से में थे, ओडियन से में तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बल्लेबाजी से भी कुछ कर दे सकते हैं, गेंदबाजी से भी कुछ कर दे सकते हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ये दोनों से अपनी से कुछ ना कुछ आपके लिए कर दे सकते हैं। उसके बाद ड्वेन पिटोरिया, ये भी दोस्तों अच्छी ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी इतनी ऊपर इनकी आएगी नहीं। और गेंदबाजी तो जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया कि डेथ ओवर में करने वाले हैं, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। राजबाबा सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में इन्हें ट्राई मत करिएगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। ड्वेन ब्रावो, कंगिस्तो रबाडा, अर्शदीप सिंह को भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन मैं फिर भी इन्हें अपनी टीम में ट्राई करूंगा। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, यदि पहली इनिंग्स में ये गेंदबाजी करते हैं तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे डेफिनेटली विकेट ले जाएंगे। कंगिस्तो रबाडा दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे डेफिनेटली विकेट ले जाएंगे। और ब्रावो को तो आप जानते हो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर हैं, तो डेथ ओवर में ये भी गेंदबाजी करेंगे, तो यहाँ पर इनके भी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, आप राहुल चाहर को ट्राई कर सकते हो, अच्छी गेंदबाजी अभी तक तो इन्होंने की है दोस्तों। और उसके अलावा आपके पास यदि दीपक चाहर खेलते हैं तो इसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी। प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों यहाँ पर राहुल चाहर को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। अब बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बारे में बात की जाए तो मोइन अली आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, शिखर धवन है दोस्तों और मयंक अग्रवाल है, ये तीनों आप अपना स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों रबाडा को भी आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाद बाकी ग्रैंड लीग में आपके पास राजपक्षे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ है, रॉबिन उथप्पा है, लियाम लिविंगस्टोन है, ये कुछ ग्रैंड लीग के ऑप्शन है दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। और आपको जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए स्मॉल लीग के, प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।